नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ में हूँ उच्चारण स्थान नामक टॉपिक को लेकर के। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्णमाला और वर्णमाला के बारे में ज्ञान। वर्णमाला जैसे हमने पढ़ा था, जिन वर्णों में जो भाषा लिखी जाती है वे वर्ण उस भाषा की वर्णमाला कहलाते हैं। देखिएगा, अब हमें संस्कृत भाषा की वर्णमाला के बारे में तो ज्ञान है, अब हमें जो दूसरा टॉपिक लिया है हमने वो लिया है उच्चारण स्थान का। उच्चारण स्थान मतलब वर्ण तो वे हैं जो 33 और 13, 46 वर्ण हैं, किंतु वो कैसे बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान का यही मतलब होता है, उच्चारण अर्थात बोलना और स्थान किस स्थान से बोले जाते हैं। मतलब इन वर्णों को, हमारे जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को बोलते वक्त हमारी जो जीभ है वो मुख के, हमारे मुंह के किस भाग को स्पर्श करती है वही उच्चारण स्थान कहलाता, उस वर्ग का या उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो मुख्यतः उच्चारण स्थान देखिएगा 5 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता और होठ, ओष्ठ। तो देखिएगा मुख्यतः उच्चारण है या स्थान है या 5 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता और ओष्ठ। इसमें देखिएगा क्या क्या है, कौन कौन से वर्ण आते हैं, कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, दंता से कौन से वर्ण और ओष्ठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। देखिएगा सबसे पहला ही जो हमारे पास में सूत्र है वो है अकुहा विसर्जननी विसर्जनिया नाम कंठ, अकुहा विसर्जनिया नाम कंठ। दिखाई दे रहा है ना आपको सूत्र, तो देखिएगा इस सूत्र का मतलब क्या होता है। आ, आ का अर्थ हो गया अ, और आ और आ देखिएगा दोनों ही समान स्वर है, तो आ के साथ में आ भी आ जाएगा, आ और आ। फिर देखिएगा कु आया हुआ है, जहां पर कु चू टू टू पू, यहां पर इन वर्णों का क्या मतलब होता है। कु का मतलब होता है का वर्ग, का वर्ग जानते हो ना आप, का वर्ग के अंदर कितने वर्ण होते, 5 वर्ण होते। तो का वर्ग के जितने भी वर्ण है क से लगा करके ग तक के जो वर्ण है वो का वर्ग। और फिर देखिएगा यहां पर तीसरा वर्ण आया है ह, आ कु ह, ह का मतलब हो गया ह। और विसर्जनिया नाम, विसर्जनिया नाम अर्थात विसर्ज का अर्थ होता है विसर्ग, निया नाम हो तो उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो देखिएगा आ और आ का वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, सबसे पहला उच्चारण स्थान है आ का वर्ग, ह और कंठ, सॉरी ह और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। फिर देखिएगा आगे हम दूसरे सूत्र में जाते हैं, तो दूसरे सूत्र में क्या आता है हमारे सामने देखिएगा। दूसरा सूत्र यह कहता है इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। इस सूत्र में दूसरा सूत्र देखिएगा, ई सबसे पहले क्या आया हुआ, ई आया हुआ, तो ई के साथ में ई और बड़ा ई दोनों ही समान स्वर है भाई। जब हम ई और ई को बोलते हैं तो यह समान है, दोनों ही समान है। ई और ई को बोलने में जीभ एक ही जगह से स्पर्श करती है, बोल के देख लो ई ई, जीभ हमारी तालु से स्पर्श कर रही। फिर देखिएगा चू आया हुआ है, चू आया हुआ, इसका मतलब मैंने क्या बताया भाई, चू आया हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा च वर्ग पूरा ही, तो चू का मतलब हो गया च वर्ग। फिर य वर्ण आया हुआ है तो य वर्ण का अर्थ हो गया य। फिर आया हुआ है श, श का अर्थ हो गया श सलजम वाला। और आनाम तालु अर्थात ये वर्ण हो तो इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, अर्थात ये सभी वर्ण तालु से, तलवे से, तालु ऊपर जो तलवा होता है ना उनसे बोले जाते हैं। अर्थात इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ तालु से स्पर्श करती है, चाहे आप बोल करके देख लो ई ई च छ ज झ, मतलब सभी को उच्चारण करते समय हमारी जीभ ऊपर की तरफ जा रही है। फिर देखिएगा दूसरा जो तीसरा सूत्र है, पहला यह हो गया, यह दूसरा और यह तीसरा सूत्र है हमारे सामने। यह सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिएगा इस सूत्र में री सबसे पहले क्या आया हुआ है वहां पर बोर्ड पर देखो, देखे री, री आया हुआ है ना, री और री के बाद में आया हुआ है री, तो री का मतलब क्या हो गया, री और बड़ा री दोनों री हो गए। फिर देखिएगा टू आया हुआ है, टू का मतलब हो गया टा वर्ग, तो री टा वर्ग, र श र, अब टा वर्ग के अंदर कितने वर्ण आ गए, तो टा वर्ग के अंदर पूरे वर्ण आ गए टा से लगाकर, टा ठा ड ड न टा वर्ग के। और फिर है र, और फिर आया हुआ है श, अनाम अर्थात री टा वर्ग र और श वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा,
ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, अर्थात दांत से पहले का जो भाग है मशूड़े, जिन्हें हम कहते हैं मशूड़े, दांतों से पहले का भाग है वहां से इनका उच्चारण होता है, तो यह हो गया मूर्धा। फिर देखिएगा, चाहे आप इनको बोल करके देख लो, चाहे री री बोलते समय हमारी जीभ कहां से स्पर्श कर रही है, री ट ठ ड ढ, मतलब दांत से पहले का जो ऊपर का भाग है दांत से, वहां से हमारी जीभ स्पर्श करती है। तो मतलब जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ जिस मुख्य जिस भाग को स्पर्श करती है वही उसका उच्चारण स्थान होता है, साधारण सी बात है। लि लृतु लशानाम दंता सूत्र, इसमें सबसे पहले क्या आया हुआ है, लि आया हुआ है। लि एक ही होता है, बड़ा नहीं होता, तो इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया लि। और तू, तू का अर्थ हो गया ता वर्ग, ता वर्ग के अंतर्गत पांचों वर्ण आ गए, ठीक है ना, त थ द ध न। और फिर आया है ल, ल अर्थात ल से, लकड़ी वाला ल है वो। और फिर आया हुआ है श, षडक वाला श है, ठीक है ना, षडक वाले श का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंता। तो द्री, ता वर्ग, ल और षडक वाला श है, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है दंता, अर्थात ये सभी वर्ण दांत से बोले जाते हैं, दंतीय वर्ण कहलाते हैं। ध्यान रखना, इस स को हम तालवीय स कहते हैं, इसको मूर्धनीय स और इसको दंतीय सकार इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह स तालु से बोला जाता है, यह स मूर्धा से और यह स दंता से बोला जाता है। फिर देखिएगा हमारे पास में पांचवा सूत्र है, वो है उपोपधीय मानिया नाम ओष्टो। उपोपधीय मानिया नाम ओष्टो में देखिएगा भाई, उपोपधीय मानिया नाम ओष्टो, इसमें सबसे पहले क्या आया हुआ है, ऊ आया हुआ है। तो ऊ, ऊ के साथ में ऊ और बड़ा ऊ दोष वर्ण होते हैं, ऊ के साथ में बड़ा ऊ आ गया और प, यहाँ पर पू आया हुआ है, पू का मतलब हो गया प वर्ग। फिर देखिएगा पधीय मानिया नाम ओष्टो, उपोपधीय मानिया नाम ओष्टो, मतलब यहां पर देखिएगा सबसे बड़ा सूत्र है किंतु सबसे कम वर्ण काम आने वाले, ऊ और पू दो ही काम आएंगे, बाकी पधीय मानिया नाम ओष्टो पद, पदों का ओष्ट अर्थात उच्चारण स्थान होट होता है। तो ऊ, ऊ और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ट होता है, अर्थात ऊ और ऊ और प वर्ग को पा फा बा भा मा बिना होठ के बोल के दिखा दो, नहीं बोला जाएगा क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओठ है, ओष्ट है, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में जिसकी सहायता ली जाती है, अर्थात हमारी मुख की जो जीभ है, मुंह का जीभ है, वो मुंह के जिस भाग को स्पर्श करेगी वही उसका उच्चारण स्थान होगा। तो यह हो गया इसका ओष्ट, ऊ और प वर्ग का। अब देखिएगा हमने पांचों जो मुख्य उच्चारण स्थान है वो हमने पढ़ लिए हैं, जैसे देखिएगा कंठ, सबसे पहले हमने कंठ के बारे में पढ़ा, उसके बाद में पढ़ा तालु के बारे में, उसके बाद में मूर्धा, उसके बाद में दंता और उसके बाद में ओष्ठ। तो जब हम यहां से शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले यहां पर कंठ है, कंठ है, कंठ के बाद में तो सबसे पहले क वर्ग वाली लाइन है, उसका उच्चारण स्थान तो हो गया कंठ। फिर उसके बाद में क्या आता है, ऊपर ही ऊपर तलवा, तो तलवा है अर्थात तो उसे तलवे को तालु कहा जाता है, तो तालु दूसरा उच्चारण स्थान, च वाली लाइन का क्या हो गया, तालु हो गया। फिर देखिएगा उससे आगे चलते हैं, तालु से आगे चलते हैं तो दांतों से पहले का भाग जो मशूड़े होते हैं ना वो आते हैं, मशूड़े अर्थात मूर्धा जिसे हम बोलते हैं संस्कृत में, वो मूर्धा हो गया, मूर्धा हो गया टा वाली लाइन का उच्चारण स्थान। और उससे आगे चलते हैं तो दांत आते हैं, तो दांत हो गए टा वाली लाइन का, और उससे आगे चलते हैं तो अंत में होट आते हैं, ओष्ट आते हैं, तो ओष्ट में हो गया उच्चारण स्थान भाई ऊ और प वाली लाइन का। फिर देखिएगा ये छोटे छोटे सूत्र है, इन पर ध्यान देना थोड़ा सा। छठा सूत्र है ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, ए और आई दोनों का, ए दैतो मतलब देखिएगा ए किससे बनता है, तो आ और ई के मिलने से बनता है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए ए दैतो कंठ तालु अर्थात आ और ई के मिलने से बना है ए, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का तालु, तो दोनों तालु कंठ तालु हो गया। फिर देखिएगा ओ दौतो कंठोष्ठम, तो ओ दौतो कंठोष्ठम, इसमें देखिएगा ओ और औ दो वर्ण आते हैं, तो देखिएगा ओ और औ दो वर्ण आते हैं, ओ किससे बना है, तो भाई आ और ऊ के मिलने से बना हुआ है, तो आ का उच्चारण स्थान तो क्या है, कंठ है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ, ओ दौतो कंठोष्ठम अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठम। फिर देखिएगा एक ही यह अपवादी कहे चाहे अलग ही वर्ग वर्ण है, वकारस्य दंतोष्टम, एक व अकेला ही वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्टम, याद रखना वकारस्य दंतोष्टम, व अकेला ही वर्ण है जिसका उच्चारण होता है दंतोष्टम, दंतोष्ट वकारस्य दंतोष्टम, व का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्टम, दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर के बोला जाता है। फिर आगे जो नवा जो है हमारा उच्चारण स्थान का जो सूत्र है वो है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अर्थात नाक से, अनुस्वार से, अनुस्वार वाले वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो डबल होता है, नासिका अर्थात ये वर्ण नाक से भी बोले जाते हैं,
जैसे घ य ण न म, अर्थात इनकी ध्वनि किससे निकलती है, नाक से निकलती है, घ य ण न म। तो नाक से जिनकी ध्वनि निकलती है उनका अनुस्वार भी होता है, ऐसा नहीं कि कंठ तालु वो नहीं होता, वो भी होता है। और अनुस्वार से च, नासिका अनुस्वार से च, मतलब इनका उच्चारण सा अनुस्वार भी, अनुस्वार वाले जो वर्ण है लास्ट वाले वर्ण जान गए ना भाई, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, जैसे का का गा गा गा, चा 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 या, टा 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 ना ता 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 ना पा पा वो मा, मतलब अंतिम वाला वर्ण है, उन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, ये वर्ण नासिका अर्थात नाक से भी बोले जाते हैं। तो नासिका अनुस्वारस्य च, नासिका जो अनुस्वार वाले वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। तो ये है हमारे उच्चारण स्थान। देखिएगा ये जो मैंने बताया उनमें आप किसी भी वर्ण को चाहे बोल करके टेस्ट कर लेना, उस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा उस वर्ण को बोलते समय हमारी जीभ मुख के उसी भाग से स्पर्श करेंगे, इसीलिए उसे उच्चारण स्थान कहा गया है। तो ध्यान देना उच्चारण स्थान। अब सिर्फ देखिए उच्चारण स्थान में आपको पहले सूत्र भी याद करने होंगे, सूत्र याद करोगे तो आपको सब कुछ एकदम सरलता से समझ में आ जाएगा। जो भी समझ में नहीं है वो ऑफिस मेरे से प्रश्न कर लेना, बाकी एकदम जो सूत्र है उस सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी उच्चारण स्थान आपको समझ में आएगा भाई। सूत्र के माध्यम से हम ये जान जाएगी जैसे अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसके मतलब अकुआ कंठ के कंठ उच्चारण स्थान कौन कौन से वर्णों का होता है, तालु कौन कौन सा, मूर्धा कौन कौन से, दंता कौन कौन सो के, तो ये सारे के सारे हम जान जाएंगे तब सूत्र याद करेंगे जब। धन्यवाद।